चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग ऑल. सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आई क्यू आई एस. मैं आप सभी का स्टडी आई क्यू आई एस की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ. मॉर्निंग जिनेदिन, मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग आकाश. यस आकाश, आई हैव कम. सो स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम टूडे. आज हम लोग 11:30 बजे लाइव जा रहे हैं फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम चेंज के लिए थोड़ा सा खेद है, बट आप सब समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चलती है एंड स्टडी आई क्यू आई एस पहले से आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आई होप कि आप सब ये सीरीज देख रहे हैं, यू आर ऑल अप्रिशिएटिंग दिस सीरीज एंड आप एक सीरीज को यूज करके बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जो लोग मुझे बाद में इन अ लाइव फॉर्मेट के बाद में जो एज पर यूर कन्वीनियंस देखेंगे, सो नमस्कार टू यू ऑल ऑल्सो. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जम के मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज आज से लेके तो टिल 26th of May, ओके, आई गेस द लास्ट वीक ऑफ मे इज योर प्रीलिम्स. तो तब तक कि आपके पास अभी गिन के 7 महीने बाकी है, सो नवंबर, दिसंबर एंड द 5 months ऑफ 2024. तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये 7 महीनों में आपका 100% देंगे, कहीं कहीं पे आप 100% से ज्यादा भी देंगे, बिकॉज हमें अगले साल क्वालिफाई करना है, हमें अगले साल अच्छा ऑल इंडिया रैंक लाना है. तो गाइज, शुरुआत करने से पहले, फाइनली स्टडी आई क्यू आई एस इज ब्रिंगिंग टू यू ऑल दशहरा सेल. तो बहुत ही स्पेशलाइज प्राइस में आप सबके लिए हम लोग बहुत बड़े बड़े कोर्सेस ला रहे हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट यूर ऑप्शनल जर्नी विथ मी विच इज बिगिनिंग ऑन 25th of October, सो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं पी एम लाइव एंड यू कैन स्टार्ट अ वेरी स्पेशलाइज journey with me at a very specialized price. Okay, and guys, not only we are offering you the courses for optional, but hum aap sab ke liye basically GS batch ke bhi courses offer kar rahe hai. So P2I batch is also going with a very specialized price now. So dashera sell hai, main chahunga ki aap sab log iska fayda uthaye. एंड जो हमारी P2I बैच है, P2I बैच स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली 23rd of October शार्प एट 8 AM, सो द सेल इज लाइव टिल 25th of October. आप इसका फायदा उठा सकते हैं. यस, ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊंगा उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. तो गाइज, आज के लेक्चर में मैं क्या क्या लेने वाला हूँ. सो आज के लेक्चर में मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैप्स लाया हूँ द पीक्स ऑफ हिमालयास के. आपके लिए मैं बहुत स्पेशलाइज्ड मैप लाया हूँ द पासेस ऑफ द हिमालयास के, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं. सो द पीक्स ऑफ हिमालयास, द पासेस ऑफ हिमालयास, एंड देन मैं आज आप सबको नदन प्लेन्स भी पढ़ाऊंगा इंडिया के. तो ये 3-4 चीजें हम लोग करेंगे. एंड गाइज, शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके साथ 2-3 कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीजें डिस्कस करना चाहूंगा. सो इफ आई टेक इंडिया, ओके, इन द सेंस कि मैं आपको आज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयस के बीच का डिफरेंस बताने वाला. व्हाट इज द डिफरेंस गाइस बिटवीन द वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस. आप सब जानते हैं कि जो हमारे ग्रेट हिमालयस है, ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम नंगा पर्वत टिल नामचा बारगा. इसके बाद इनकी सिंटेक्शुअल बिल्डिंग होती है, ओके, टुवर्ड्स पाकिस्तान यू हैव सुलेमान एंड किरथार रेंज, एंड देन यू ऑल्सो हैव द पूर्वांचल एंड यू हैव द अर्कन युमा एंड पेगुयुमा. गाइज, ये जो सिंटेक्शन बिल्डिंग होती है, ओके, सिंटेक्शन बिल्डिंग किस वजह से है, बिकॉज जो हमारा तेथियन सी का एक्रिशनल प्रिज्म है, जो सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स अलोंग द इंडियन प्लेट ऐसे कर्ल्ड है. तो आप ये जो बेंडिंग देख रहे हिमालयस की, ये साउथ वर्ड्स कॉन्वेक्स है, ये किस वजह से, बिकॉज इंडियन प्लेट का शेप कुछ इस तरीके का है. दिस इज द शेप ऑफ द इंडियन प्लेट जो नीचे से ऊपर आई. बट आपको ध्यान में क्या रखना है गाइस, कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द हिल स्टेशंस वेस्ट हिमालयस में क्यों मिलते हैं, आपको क्यों शिमला, कुल्लू, मनाली, देन यू हैव बेसिकली द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी, ये आप सबको वेस्टर्न हिमालयस में क्यों मिलते हैं, क्यों ईस्टर्न हिमालयस में आपको इतने हिल स्टेशंस मिलते नहीं है. वो इस वजह से है गाइस, जब हमारी इंडिया की प्लेट टकराई, सो इंडिया की प्लेट सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट से टकराई, सो सबसे पहले वेस्ट पार्ट हिंज हुआ इंडियन प्लेट का, देन ये वेस्टर्न पार्ट नीचे आया. आफ्टर दैट
दिस ईस्टर्न पार्ट गॉट हिंज एंड देन वेस्टर्न पार्ट ऐसे हिंज हो गया. तो इसे हम लोग कहते हैं डोर स्लैम शट मैकेनिज्म. आप सब लोग इसे ध्यान में रखिएगा. पहले इंडिया का वेस्टर्न पार्ट हिंज हुआ, ये वेस्टर्न पार्ट नीचे आया, देन ईस्टर्न पार्ट हिंज हुआ, देन अगेन द वेस्टर्न पार्ट गॉट हिंज्ड. तो आप ये जो अरेंजमेंट देखते हैं, ये अरेंजमेंट आपको हिमालयास की ऐसे मिलेगी. देखिएगा हिमालयास जो है हमारे ग्रेट हिमालयास कुछ इस तरीके का है. ये ऐसा लाइक ऐसा नीचे देन ऐसा देन फिर से इसे. इस वजह से क्या हुआ है, जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज हैं ये स्टेप्स में ऊपर उठे हुए हैं. द वेस्टर्न हिमालयाज हैव राइजन इन स्टेप्स, जबकि हमारे ईस्टर्न हिमालयाज जो है ये अब्रप्टली उठे हैं. इनका जो स्लोप है गाइस, इनका स्लोप बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयाज. इसलिए वेस्टर्न हिमालयाज में आपको हिल स्टेशन ज्यादा मिलेंगे, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में आपको स्लोप्स इतने स्टीप मिलते हैं कि यहाँ पे हिल स्टेशन बहुत कम मिलेंगे. यस मॉर्निंग खुशबू, मॉर्निंग मनीष. मनीष बेटा मैं आप सबके लिए प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन की एक अलग सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस आप सबके लिए प्रेडिक्ट करूंगा. तो आप टेंशन मत लीजिएगा, पहले हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देंगे, देन हम लोग एडवांस पार्ट कवर करेंगे. तो ध्यान में रखिएगा वेस्टर्न हिमालयास स्लोप्स में स्टेप्स में उठे हैं एंड ईस्टर्न हिमालयास एकदम स्टीप है. सर आप ये बता क्यों रहे हैं, व्हाई आर यू टेलिंग अस दिस? मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज हिमालयास के जितने भी सबसे ऊंचे पिक्स है वो प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे, वो प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड है ईस्टर्न पार्ट में. एंड जो हमारे हिमालयास के वो सबसे ऊंचे पिक्स है वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है. तो सर इंडिया में क्या कोई ऊंचे पिक्स है हिमालयास के? जी हाँ ऊंचे पिक्स है. तो आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में ग्रेट हिमालयास का एक ही पीक ऐसा है जो 8000 मीटर से ऊपर है. बाकी इंडिया में जो 8000 मीटर से ऊपर वाले पीक्स है वो आते हैं ट्रांस हिमालयास में. आप सब जानते हैं कि नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के तीन रेंजेस है, यू हैव ट्रांस हिमालयास, यू हैव द हिमालयास एंड यू हैव द पूर्वांचल. सो दुनिया में 14 ऐसे पीक्स है, देर आर 14 सच पीक्स इन द वर्ल्ड ओके, जो 8000 मीटर से ऊपर है, जिसे हम लोग 8000ers भी कहते हैं ओके, 8000ers, जिनकी हाइट जो है ये 8000 मीटर से ऊपर है. सर क्या आप हमें इनके नाम बता सकते हैं? जी हाँ मैं आप सबको नाम भी बताऊंगा एंड आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैप लाया है मैंने आप सबके लिए, ताकि आप सबको ये पीक्स ध्यान में रखें. 14 पीक्स है गाइस दुनिया में जो 8000 मीटर से ऊपर आते हैं. वो 14 पीक जो है उसमें से एक पीक आता है ग्रेट हिमालयाज में इंडिया में, एंड बाकी जो पीक्स है ये हमारे ट्रांस हिमालयाज के पार्ट है. तो आप ये मैप देख सकते हैं, काफी स्पेशलाइज्ड मैप है. सो आप ये जो माउंटेन रेंज देख रहे हैं, देखिएगा ये माउंटेन रेंज है हमारी ग्रेट हिमालयाज की. अगेन सी इनका शेप कैसा है, दिस इज कॉन्वेक्स साउथवर्ड्स. क्यों? बिकॉज ये पहले टकराया, ये नीचे आया एंड देन फिर ये ऊपर गया एंड देन अगेन दिस गॉट हिंज्ड. सो ये जो हमारे हिमालयास का ओरिएंटेशन है ये कैसा है, कॉन्वेक्स साउथवर्ड्स है. एंड इसी वजह से आपको सारे वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक्स है ये ईस्टर्न हिमालयास में मिलते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयास. सर वेस्टर्न हिमालयास के कौन से पीक्स है जो 8000 मीटर के ऊपर है? गाइज ये सारे पीक्स जाते हैं आपके ट्रांस हिमालयास में. तो ट्रांस हिमालयस के कौन से पीक है? सबसे पहला पीक है आपका नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8125 मीटर है. इसके बाद आता है आपका दुनिया का सबसे खतरनाक पीक, जिसे चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है, K2 पीक. 8600 मीटर हाइट है बट काफी स्टीप वॉल्स है. एंड K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन पीक से भी जानते हैं. देन यू हैव ब्रॉड पीक, देन आपके पास आता है घाशरब्रह्म 2 एंड घाशरब्रह्म 1. गाइज ये सारे पीक्स जो है इंडिया के, ये कौन से पीक्स है? ऑल ऑफ दीज पीक्स आर ट्रांस हिमालयन पीक्स. आप ध्यान में रखिएगा ये हमारे ग्रेट हिमालयस का पार्ट नहीं है, दीज आर दी ट्रांस हिमालयन पीक्स ओके. इसके बाद अगर आपको हिमालयस के ऊंचे पर्वत देखने हैं तो वो कहाँ जाते हैं गाइज? वो जाते हैं नेपाल, प्रीडोमिनेटली नेपाल एंड तिब्बत के बॉर्डर में. सर क्या इंडिया का कोई भी ऐसा पीक नहीं है जो 8000 मीटर से ऊपर है एंड वो ग्रेट हिमालयस का पार्ट है? जी हाँ वो एक ही पीक है एंड दैट पीक इज बेसिकली कांचनगंगा.
जो सिक्किम में आता है, अगर आप गैंगटॉक में जाएंगे, अगर आप दार्जिलिंग में जाएंगे तो आपको ये पीक दिखेगा कांचनगंगा। सो कांचनगंगा ईस्टर्न मोस्ट पीक आता है ग्रेट हिमालयाज का, जो इंडिया का पार्ट भी है ग्रेट हिमालयाज में, एंड इट इज अबव 8.5 किलोमीटर्स। देखिए कांचनगंगा की हाइट कितनी है, 8,586 मीटर्स, वेरी हाई पीक कांचनगंगा। ओके, इसके बाद आप ये सारे पीक जो देख रहे हैं, ये सारे पीक्स कहाँ जाते हैं, ये सारे पीक्स जाते हैं आपके नेपाल एंड तिब्बत के बॉर्डर पे। सर कौन से पीक्स हैं? सो यू हैव धौलागिरी पीक, यू हैव मानसलू पीक, यू हैव शिशिपगंगा पीक, छोयू पीक, एवरेस्ट पीक जो दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, देन यू हैव लॉट्से एंड देन यू हैव माकालू। सो लॉट्से, माकालू, एवरेस्ट, छोयू, शिशिपगंगा, मानसलू एंड धौलागिरी। इसके बाद में ये जो पीक है अन्नपूर्णा, ये पीक ऐसा पीक है जिसने आज तक सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। अन्नपूर्णा इज वेरी नोटोरियस फॉर टेकिंग लाइव्स, लगभग 40% मॉर्टेलिटी रेट है इस पीक का। ओके, सो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अन्नपूर्णा इज वन ऑफ द डेडलीस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर इंडिया में 8000 मीटर के ऊपर के पीक्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इंडिया में आपको 8000 मीटर के ऊपर के पीक्स मिलेंगे सारे ट्रांस हिमालयस में। तो जो हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लेट मी ओपन अप द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑल्सो सो दैट आप सबको समझ में आ जाइए। ओके, सो हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप से भी समझ लेते हैं। ओके, यस, वेयर इज द पॉलिटिकल मैप, यस हियर आई हैव द पॉलिटिकल मैप। तो हम लोग इसे इंपोर्ट करके एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, लेट द इमेज गेट लोड ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना रहे, एक बार में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, यस, सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, लेट द इमेज गेट रिफ्रेश्ड। देखिए तो इंडिया में 8000 मीटर से ऊपर के जितने भी पीक्स है वो आपको दो एरियाज में मिलेंगे, सबसे पहला इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड नंबर टू यू विल फाइंड इन सिक्किम। ओके, सो अगर आप लद्दाख में पूछेंगे कि सर लद्दाख में कौन से पीक्स हैं, वो सारे आपके ट्रांस हिमालयन पीक्स है। K2 यू हैव गाशर ब्रह्म एंड देन यू हैव माशर ब्रह्म एंड देन यू हैव काशरब्रम 2 एंड यू हैव नंगा पर्वत। तो ये सारे पीक्स कहां पे जाएंगे आपके, ये सारे पीक्स आपके जाएंगे, यू विल हैव इट इन लद्दाख, ट्रांस हिमालयन पीक्स। इसके बाद अगर आपको किसी ने पूछा ग्रेट हिमालयस का कोई पीक है क्या सर जो 8000 मीटर से ऊपर में है, जी हाँ, आप कहेंगे कि सर जी हाँ जरूर है हमारे पास में। वो पीक कौन सा है? वो पीक है हमारे पास कांचनगंगा। सर कांचनगंगा कहाँ पे है? So, कांचनगंगा आता है यहाँ पे, दिस इज वेयर यू हैव कांचनगंगा इन सिक्किम। ओके, गैंगटॉक से आपको कांचनगंगा जरूर दिखेगा, सो दिस इज वेयर यू विल बी हैविंग कांचनगंगा, द वन ऑफ द फ्यू पीक्स ऑफ द वर्ल्ड जिसकी हाइट 8500 मीटर से भी ऊंची है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनके पासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालयस के जो पासेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है फिलहाल वो इन पासेस पे है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर पासेस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एट प्रेजेंट जो इंडिया की सबसे स्ट्रेटेजिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टनल्स बनाई जा रही है वो इन्हीं पासेस पे बनाई जा रही है। जैसे आपके पास है अरुणाचल में सेला टनल, ओके, देन हिमालय सॉरी हमारे कश्मीर में बन रही है, यू हैव द टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर सोनमर्ग जोजिला पास के पास में, एंड देन यू हैव द जवाहर टनल जिसे अभी रीनेम करके बेसिकली बनिहाल टनल भी कह रहे हैं, राइट? सो बनिहाल टनल, जोजिला टनल, सेला टनल, ये सारी टनल्स अभी काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज इंडिया जो है ये बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट पे एंड बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दे रहा है। तो जो हमारी सेला टनल है जो बुमला पास के पास बनाई जा रही है, हमें गर्व होना चाहिए कि वो दुनिया की सबसे लंबी टनल है 13,000 फीट के हाइट से भी ऊपर में। तो चलिए मैं आप सबके साथ ये भी डिस्कस करूंगा।
So, जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, दीज आर द मेजर पासेस ऑफ द हिमालयस। सर क्या इतने पासेस ध्यान में रखे हम लोग? नहीं, डरिएगा मत, आपको इतने सारे पासेस ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको पासेस कौन से ध्यान में रखने हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पास जो आता है, वो आता है बेसिकली अघील पास। ये पास आपको ध्यान में रखना है, अघील पास, एंड यू हैव टू रिमेम्बर काराकोरम पास। दीज टू पासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बिकॉज आज के तारीख में ये जो पासेस है, यहाँ बेसिकली ये पीओके का पार्ट है, एंड पाकिस्तान ने ये जमीन जो है ये चाइना को देखे रखी है, ठीक है? चाइना ने बहुत ही ऐसा काम किया है जो इंडिया को हमेशा एंटेगोनाइज करता है। चाइना हमें हमेशा तकलीफ देता है। तो चाइना ने, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, चाइना ने काराकोरम एंड अघील के पास भी 6-6 लेन के हाईवेज बना रखे हैं, जस्ट कि इंडिया को वो कंट्रोल कर पाए। बट वो जानते नहीं है कि हमें कितना अभी पावर है एंड वॉट इंडिया इज एक्चुअली, ठीक है? तो जरूर होगा वो सारी चीजें। तो लेट्स मूव अहेड। तो आपको अघील पास एंड काराकोरम पास ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद जो एट प्रेजेंट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टनल्स बनाई जा रही है, वो टनल्स कहाँ बनाई जा रही है? वो टनल बनाई जा रही है जोजीला में, एंड देन यू हैव पीर पंजाल पास एंड यू हैव बनियाल पास। ये तीन पासेस काफी ज्यादा न्यूज में है, बिकॉज यू हैव ऑल दिस थ्री पासेस बीइंग टनलाइज्ड। एंड ये जो तीन पासेस है, ये तीन पासेस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जोजीला पास जो है, इससे आप कश्मीर के वैली से यू एंटर इनटू द ग्रेट हिमालयस। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो हमने यूनियन टेरिटरीज बनाई है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखिए, कश्मीर जो है ये घाटी नहीं है, ये वादी है। इट्स अ वैली, इट्स नॉट अ घाट, इट्स नॉट अ माउंटेनस टेरिटरी। कश्मीर की वादियां है। सो जैसे आप बनिहाल पास एंड पीर पंजाल पास क्रॉस करेंगे मिडिल हिमालयास के, देखिए पीर पंजाल एंड बनिहाल ये मिडिल हिमालयास के पास है। दीज टू पासेस आर ऑफ मिडिल हिमालयास। यहाँ पे आपके पास पीर पंजाल रेंज है, एंड देन यू हैव धौलाधार। तो जैसे आप ये दो पासेस क्रॉस करते हैं, आप कश्मीर के घाटी में, कश्मीर के वादी में, सॉरी, यू एंटर इनटू द वादीज ऑफ कश्मीर, जहां पे मस्टर्ड उगाया जाता है। यू हैव मस्टर्ड कल्टीवेशन इन कश्मीर, ओके? आपके पास मीडोज है कश्मीर के, डल लेक है श्रीनगर की, एंड देन आप जैसे श्रीनगर क्रॉस करेंगे एंड आप लद्दाख जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सोनमर्ग के आगे, जस्ट कारगिल से पहले आपको जोजीला पास से जाना पड़ता है। एंड ये बहुत ही खतरनाक पास है दुनिया का, बिकॉज दिस इज वेरी नोटोरियस फॉर लैंडस्लाइड्स। तो ये तीन पासेस आप ध्यान में रखिएगा, पीर पंजाल, बनिहाल एंड जोजीला। जोजीला आएगा सोनमर्ग के बाद, पीर पंजाल एंड बनिहाल बेसिकली दीज आर द गेट वे इन टू द कश्मीर वैली। अब जैसे पीर पंजाल एंड बनिहाल क्रॉस करेंगे, आप एंटर करेंगे अवंतीपुरा, यू विल एंटर इन टू अनंतनाग, बटोट, ये सारे एरियाज में आप एंटर करते हैं, ठीक है? इसके बाद एट प्रेजेंट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, सबसे ऊंचा पास, मैंने ये पास जानबूझ के यहाँ पे नहीं दिखाया है, बिकॉज आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो मुझे पता नहीं है कितने लोगों को पता है, बट जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अभी, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज पता होगी। अभी तक के जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास था, जहां से गाड़ियां गुजर कर सकती थी, वो यहाँ पे था, ओके? इट वॉज कॉल्ड एज खारदुंगला पास। बट जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एट प्रेजेंट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास बनाया है, वो सबसे ऊंचा पास बनाया है उमिंगला। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उमिंगला पास। ये एट प्रेजेंट दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटोरेबल रोड है। मैं आप सबको इसकी फोटो भी दिखाता हूं, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। चलिए आपको मैं इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ, सो दैट आप सबको इसका बेसिकली एक आइडिया आ जाए। सो इफ आई एम जस्ट शोकेसिंग यू उमिंगला पास, ओके? तो उमिंगला पास, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल रोड राइट नाउ, ओके? लेट द इमेज गेट लोड सो दैट आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सो
BRO welcomes you to the highest motorable road of the world. Okay, Umingla Pass. अगर आप इसकी हाइट देखेंगे, इसकी हाइट कितनी है? 19,300 feet. Guys, ये हाइट जो है, ये हाइट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा है. So at present, हमारे इंडिया में हमारे जवानों ने ऐसा पास बनाया है जो एवरेस्ट के बेस कैंप के हाइट से भी ऊपर है. ये इंडिया में है गाइज. एंड मैं आज आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, मैं आज आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ. ये पास तो बनाया है बेसिकली हैनले बेसिन में, ओके, ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है. इससे भी ऊंचा पास अभी बीआरओ बनाने की कोशिश कर रहा है. तो आपकी असाइनमेंट ये रहेगी कि आज आप देख रहे हो कि इसका भी रिकॉर्ड कौन तोड़ रहा है. इसकी हाइट जो है ना गाइस 19,300 फीट है, ये एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा है. बहुत लोगों की जाने गई है, बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस टू मेक दिस, ठीक है. अभी आप पे और मुझ में डिपेंड करता है कि हम इन जवानों का जो बलिदान दिया है, जिन लोगों ने इस पास बनाते वक्त जान दी है, उन्हें हम और आगे लेके जाए, उनकी लेगेसी हम लोग आगे लेके जाए. सो वी एज द प्राउड सिटीजंस ऑफ इंडिया, वी शुड हैव इवन मोर वर्क, वी शुड हैव इवन मोर डेडिकेशन टू टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड. ये बस मैं यही कहना चाहूंगा, इससे और कुछ नहीं, ठीक है. तो उमिंगला पास आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दिस सर, और कौन से पासेस हमें ध्यान में रखने हैं? सो विच पासेस डू वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है. तो आप दो तीन पास और ध्यान में रखिए, जहां पे चाइना जो है, चाइना काफी ज्यादा एक्टिव रहता है एंड हमें इंडिया को बहुत परेशान करता है. सो एक पास है, इट इज कॉल्ड एज लंकाला पास. लंकाला पास जो है, चाइना बेसिकली यहां से बहुत इंकर्जन करने की कोशिश करता है. मैं आपको आज एक एंट्री और बताना चाहूंगा, ओके. थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी समझने में, बट आई होप कि आप सब लोग इसे काफी स्पोर्टिंगली लेंगे एंड यू विल गेट दिस वेरी प्रॉपरली. तो आपको याद है गाइस, जब हमने तिब्बत पढ़ा था, जब हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको कादिम बेसिन, जुंगारिन बेसिन, टकला मकाम डेजर्ट, ओके, ये सारे के बारे में बताया था. तो ये जो पार्ट है ना गाइज, लद्दाख का ये वाला, ओके, तो ये जो पार्ट है, ये बेसिकली प्लेन्स है. सर प्लेन्स, आप प्लेन्स कैसे बोल सकते हैं? जी हाँ, ट्रांस हिमालयस, लाइक बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में, ये जो पार्ट है, ये एक समतल प्लेटू है. इट इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ प्लेन्स एट अ एलिवेटेड हाइट, तो जिसे हम लोग इंटर माउंटेन प्लेटू भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे समतल जमीन कह सकते हैं, उठी हुई जो माउंटेन रेंजेस के बीच में है. ओके, सो यहाँ पे आपको दो प्लेन्स मिलते हैं, यू हैव सोडा प्लेन्स, ओके, एंड यू हैव देपसांग प्लेन्स, ओके. सोडा प्लेन्स एंड देपसांग प्लेन्स, ये दो प्लेन्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये दो प्लेन्स में चाइना बहुत ज्यादा इंकर्जन करता है इंडिया में आने के लिए. सोडा प्लेन्स एंड देपसांग प्लेन्स. एंड आपको यहाँ पे बुर्जल पास के ऊपर में आपको और एक प्लेन्स मिलेंगे, जिनका नाम है देओ साई प्लेन्स. सर ये प्लेन्स बेसिकली क्या है? क्या आप हमें बेसिकली इन प्लेन्स के बारे में बता पाएंगे? जी हाँ, मैं आपको इन प्लेन्स के बारे में बता पाऊंगा. लेट मी जस्ट शोकेस यू द प्लेन्स ऑफ देपसांग प्लेन्स एंड सोडा प्लेन्स. सो सोडा प्लेन्स कुछ इस तरीके से देखते हैं, ओके. सो दीज आर अवर सोडा प्लेन्स, ठीक है. समतल जमीन है बिटवीन द तिब्बत, सॉरी बिटवीन द लद्दाख एंड द तिब्बत. तो कुछ इस तरीके से आपके दिखते हैं सोडा प्लेन्स. ऐसा ही आपके देपसांग प्लेन्स भी है एंड देवसाई प्लेन्स भी है. चाइना इसका बहुत यूटिलाइज करता है, किसके लिए? हमें तकलीफ देने के लिए. आप सब जानते हैं कि गलवान वैली में प्रॉब्लम हुआ था पैंगोंग लेक के वहां पे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है कि सर कौन से प्लेन्स है जहां पे हवा बहुत चलती है एंड इट्स वेरी रॉकी. तो आप कहेंगे सोडा प्लेन्स, देपसांग प्लेन्स एंड देवसाई प्लेन्स, ठीक है. तो चलिए, इसके बाद आपको यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पास ध्यान में रखना है. उस पास का नाम है शिपकीला पास, बिकॉज शिपकीला पास ये एक ऐसा पास है जहां से रिवर सतलज इंडिया में एंटर करती है, ओके. जहां से रिवर सतलज इंडिया में एंटर करेगी, ओके. सो रिवर सतलज
विल एंटर इनटू इंडिया, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, शिपकीला पास, ठीक है। आप सब जानते हैं सतलज यमुना लिंक कैनल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है बिटवीन दी गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। ओके, तो सतलज पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद क्या और कोई पासेस इंपॉर्टेंट है हिमालयाज के? जी हाँ, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है हिमालयाज का जो आपको ध्यान में रखना है। वो पास आता है बेसिकली उत्तराखंड एंड नेपाल के बॉर्डर पे। सर वो पास कौन सा है आप प्लीज बताइए। ओके, लेट मी जस्ट बेसिकली टेल यू द पास व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ उत्तराखंड एंड नेपाल के बॉर्डर पे वो पास आता है। तो ये है हमारा उत्तराखंड। लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये है हमारा उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड एंड नेपाल के बॉर्डर पे आपको यहाँ पे एक पास मिलता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पास ओवर हियर। इस पास का नाम है लेपकुले पास। ओके, लेपकुले, वेरी इंपॉर्टेंट पास। बाय, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज लेपकुले पास इज द गेटवे टू राकास एंड मानसरोवर। ठीक है, लास्ट ईयर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, किसके रिगार्डिंग? लेपकुले पास के रिगार्डिंग, बिकॉज नेपाल ने लेपकुले को अपने ऑफिशियल मैप में इंक्लूड किया था। सो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेपाल ने भी ये काम किया था कि लेपकुले पास को नेपाल ने अपने बॉर्डर में इंक्लूड कर लिया था, जबकि लेपकुले पास आता है उत्तराखंड एंड नेपाल के बॉर्डर पे। यहां से आपकी एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है काली रिवर। ओके, काली रिवर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये, तो काफी सेंसिटिव एरिया है ये वैसे देखा जाए तो। एंड लेपकुले पास आपको ध्यान में इस वजह से रखना है बिकॉज हमारे गवर्नमेंट का एट प्रेजेंट फोकस ऑन बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एंड बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में लेपकुले में काफी ज्यादा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया ने लेपकुले पास में चार चार लेन के हाईवेज बनाए हैं ताकि हमारा जो पिलग्रिमेज है टुवर्ड्स राकास एंड मानसरोवर, राकास एंड मानसरोवर इज अ वेरी होली साइट फॉर इंडियंस। ओके, तो यहाँ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। ओके, लेपकुले पास। इसके बाद आपको और दो पासेस यहाँ के उत्तराखंड के याद रखने हैं। सर वो दो पासेस कौन से हैं? तो आपको एक पास ध्यान में रखना है नीतिला पास। ओके, नीतिला पास। एंड आपको और एक पास ध्यान में रखना है, उसका नाम है थगाला। ओके, थगाला, नीतिला, एंड आप और एक ध्यान में रख लीजिए, इट इज कॉल्ड एज मना पास और मनाला पास। ओके, सो यहाँ पे आपके पास थगाला है। ओके, यहाँ पे आपके पास मना पास है एंड यहाँ पे आपके पास नीतिला पास है। तो थगा, माना एंड नीतिला। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिमेम्बर दिस फोर पासेस ऑफ उत्तराखंड, लेपकुले, थगाला, नीतिला एंड मनाला। मैंने आपको पीक्स बताए हैं किसके? द ग्रेट हिमालयाज के। ओके, अभी मैं आपको दो पीक्स ऐसे बता रहा हूं जो उत्तराखंड के काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। सर उसका नाम बताइए ना प्लीज। यस, उस बायोफिजर, उस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ओके, नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उत्तराखंड के दो पीक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका नंदा देवी पीक एंड दूसरा है आपका त्रिशूल पीक। लेट मी जस्ट रब इट अप। सो यू हैव टू पीक्स ऑफ उत्तराखंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक पीक आता है आपका नंदा देवी पीक। ओके, यू हैव नंदा देवी पीक एंड एक पीक है आपके पास त्रिशूल। सो नंदा देवी एंड त्रिशूल पीक, आप ये दो पीक ध्यान में रखोगे। यस, सो नंदा देवी एंड यू विल रिमेंबर त्रिशूल। ओके, त्रिशूल पीक, ये दो काफी इंपॉर्टेंट पीक्स है किसके? उत्तराखंड के। एंड ये दो पीक्स 8000 मीटर के ऊपर में नहीं है, दीज आर सेवर थाउजेंडर्स। ये 7000 मीटर के रेंज में आते हैं। 7000 मीटर में बहुत सारे पीक्स है इंडिया में, बट आप ये दो ध्यान में रखेंगे, नंदा देवी एंड यू विल रिमेंबर त्रिशूल। यस, मना इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यस, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट कृष्णा, गुड आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। एंड मिथिलेश, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट कि नंदा देवी में ही आपका वैली ऑफ फ्लावर्स पार्क भी आता है, राइट?
चलिए इसके बाद में गाइस आपको अरुणाचल के पासेस ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अरुणाचल के पासेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। किसके लिए? फॉर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी एंड फॉर एग्रेशन ऑफ चाइना। ओके, देखिए चाइना जो है ना ये नोटोरियस है। नोटोरियस किसके वजह से? बिकॉज चाइना क्या करता है ना, चाइना ये जो ज्यादा मिलिट्री विगर दिखाता है ना कि पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ओके, चाइना के आर्मी का नाम ही पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पता नहीं वो क्या लिबरेट करते हैं। ओके, बट चाइना करता क्या है आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना ये जो इंकर्जन करता है इंडियन टेरिटरी पे, बोल देता है कि अरुणाचल हमारा है, बोल देता है कि अक्साई चिन हमारा है, इसे चाइना पोर्ट्रे किस तरीके से करता है? इसे चाइना चाइनीज लोगों में एक ऐसा नेशनलिज्म, एक ऐसा पेट्रियोटिज्म इंस्टॉल करने की कोशिश करता है जिससे और ज्यादा लोग बेसिकली मिलिट्री में आए। ओके, जिससे और ज्यादा वहां पे पीएलए की जो है ये रिस्पेक्ट बढ़े। आफ्टर ऑल इट्स बेसिकली अ कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है? तो कम्युनिस्ट स्टेट की जो हेजेमोनी रहती है वो नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा रहती है। तो जैसे आप अगर आप चाइना में जाएंगे तो चाइना में सब कुछ बैंड है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। चाइना में यू डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एनी प्राइवेसी। एंड इन चाइना आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है चाइना में कि वहां पे जो सोसाइटीज है दे आर वेरी टाइटली कंट्रोल्ड, बहुत टाइटली कंट्रोल सोसाइटीज आती है। इतना टाइट कंट्रोल है कि चाइना ने गेमिंग भी बैन कर दिया है, चाइना ने रियलिटी शोज भी बैन कर दिए। जैसे इंडिया में इंडियन आइडल है, सारे गमा है, ओके, ये जो रियलिटी शोज है चाइना ने रियलिटी शोज भी बंद कर दिए, टैलेंट हंटिंग शोज भी चाइना ने बैन कर दिए। क्यों? बिकॉज चाइना का कहना है कि नहीं, जो वहां का यूथ है उसने खाली ऐसे शोज देखने चाहिए जो मैस्कुलिनिटी को और ज्यादा अच्छे से ये करें। तो अभी पता नहीं चाइना जा कहां रहा है, बट आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा। चाइना के पास गाइस टेरिटोरियल एडवांटेज बहुत है। टेरिटोरियल एडवांटेज क्यों है? बिकॉज ऊपर का जो टिबेट पार्ट है ये बेसिकली प्लेटू है, जबकि इंडिया में जो हमारा अरुणाचल है इट्स वेरी हाई, बहुत ज्यादा स्टीप है। लास्ट क्लास में मैंने आपको अरुणाचल के शिवालिक्स के बारे में बताया था, दाफला, मीरी, अबोर एंड मिशमी। इसके बाद आप डायरेक्टली कहां एंटर करते हो? ग्रेट हिमालयस में। अरुणाचल में हमारे जवानों को बहुत तकलीफ होती है गाइस, दो दो तीन तीन महीना ये फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज टेरेन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो चाइना के पास टेरिटोरियल एडवांटेज काफी ज्यादा है एंड चाइना इसी वजह से इंडिया में इतना ज्यादा इंकर्जन करने की कोशिश करता है। द सेकंड थिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू कि चाइना इसे एक लेवरेज की तरह यूज करता है, किसके लिए? टू इंस्टिल अ काइंड ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म अमंग्स द पीपल ऑफ चाइना। इसलिए चाइना के आर्मी का नाम भी पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ओके, वी डोंट नो व्हाट्स exactly the China is doing. तो passes कौन से important है? तो सबसे important pass जो आता है आपका Eastern Himalayas का, वो आप सबको पता है, Nathula and Jelepla, Sikkim, Bhutan and Tibet. Tibet China जो है, okay. So Sikkim, Bhutan and basically Tibet के borders पे you will be having the Jelepla pass and the Nathula pass. Okay. After that you have a very important pass. Okay. You have Bumla and you have Tunga Pass. Bumla आप सब जानते हैं, Dalai Lama basically entered through Bumla. Okay. And then you have Bomdila. So Bumla and Bomdila, these two passes are very important. And यहीं पे आपकी अभी सेला टनल जो है, सेला टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो एट प्रेजेंट दुनिया की सबसे लंबी टनल है, अबव 13,000 फीट। ओके, सो अबव 13,000 फीट तो दुनिया की सबसे लंबी टनल है वो यहाँ पे बिल्ड की जा रही है। इट इज कॉल्ड एज सेला टनल, जो बेसिकली इस रीजन ऑफ अरुणाचल को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी। किसके साथ में? विद असम, विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। सो कुडोस टू द मिलिट्री ऑफ इंडिया, टू द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पास आता है, इट इज कॉल्ड एज धियांग पास। एंड देन यू हैव धाइपर पास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धियांग एंड धाइपर। बस आप ये दो पासेस ध्यान में रखिएगा। हाँ, आप चौखान पास भी ध्यान में रख सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है फॉर मिलिटेंसी
for trafficking, drug trafficking and human trafficking. The Chaukhan, Dhaipar, you have Diang, Bomdila, Bumla, Tunga, Nathula and Jelepla. तो ये सारे पासेस हैं गाइस जो हिमालयास के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं. ठीक है, तो गाइस हियर आई सम अप विद यू ऑल द डिस्कशन ऑफ हिमालयास. अभी चलिए, अभी हम लोग नदन प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग विद रिगार्ड्स टू द नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया. नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नदन प्लेन्स जो है हमारे, नदन प्लेन्स, दीज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट agricultural fields and also one of the best world's riverine plains. तो अगर मैं आप सबके साथ नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ नंबर टू डिविजन ऑफ इंडिया. पहला डिविजन था हमारा नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स. नाउ द सेकेंड डिविजन ऑफ इंडिया, द टेक्टोनिक डिविजन, इट इज कॉल्ड एज द नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया. ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसे हम लोग कहेंगे द नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया. गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ बातचीत करना चाहूंगा, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए. आपको बोर नहीं होता है ना मेरा लेक्चर? ओके, देखो लेक्चर बोर है, आप बोल दो, मैं बहुत आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका और इंटरेस्ट बढ़ जाए. क्या होता है, जब भी मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे अंदर पता नहीं किसकी आत्मा आ जाती है, बट वो जो चीजें फटाफट फटाफट निकलती है, दैट इज बेसिकली आई गेस द पावर ऑफ इंडिया दैट आई हैव. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस लेक्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ या फिर बर्बाद करूँ किसी भी तरीके से. तो मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछी जा सकती है. तो आई होप दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग. अरे एंजॉय कर रहे हो ना यार, बताइए ना, थोड़ा कमेंट तो कीजिए. ठीक है, कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है. एंड आपसे एक गिला शिकवा भी है कि आप मेरे लेक्चर के बाद में कमेंट नहीं डालते हो, तो आप वो भी कर दो यार, थोड़ा कमेंट मार दिया करो, अच्छा लगता है. ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो मैंने आज के 23rd लेक्चर है हमारा, ठीक है, तो आई गेस 2-3 मोर लेक्चर्स टू गो. तो मैंने आपको तकरीबन 28 से 27 घंटे पढ़ाया है, गारंटी दे रहा हूं मैं. ठीक है, आई एम सेइंग दिस लाइव ऑन यूट्यूब. ठीक है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टडी IQIS इज हैविंग अपवर्ड्स ऑफ 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1.5 करोड़ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, स्टडी IQIS से जुड़े हुए, लाइव बता रहा हूं मैं. अगले साल प्रीलिम्स में इसमें से 20 से 30 मार्क्स कंफर्म्ड है, एंड मेंस में कम से कम 100 से 200 मार्क्स कंफर्म्ड है. जो भी मैंने आपको पढ़ा है, कंफर्म्ड यानी कंफर्म्ड, ये गारंटी दे रहा हूँ. ओके, सो प्लीज इस सीरीज को एकदम बेंचमार्क की तरह देखिएगा, एंड प्लीज इस सीरीज को एक ऐसे एंगल से देखिए कि जिससे आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे. ठीक है, दैट्स माई गारंटी टू यू. ओके, सो हैप्पी लर्निंग एवरीवन, एंड लेट्स मूव अहेड. सो इफ आई टॉक अबाउट द नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया गाइस, तो ये इंडिया के यंगेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है. ओके, दीज आर द यंगेस्ट जियोलॉजिकल, ओके, जियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया. ओके, यंगेस्ट क्यों? बिकॉज ये जो हमारे नदन प्लेन्स है, इनकी एज बेयरली 10 से 15 लाख साल पहले है. ओके, जस्ट दे आर जस्ट 10 टू 15 लाख ईयर्स ओल्ड. सो 10 से 15 लाख मीन्स अराउंड लाइक लेट्स से 1 टू 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, दैट इज देयर एज. बहुत ही नए हैं ये, ज्योग्राफी में लाख बोले तो बहुत कम होता है. एंड आप कहेंगे कि सर ओके, ये जो आप कह रहे हैं यंगेस्ट फीचर है, ये बने कैसे? लाइक आपने हर जगह पढ़ा होगा नदन प्लेन्स है, नदन प्लेन्स है, बट ये नदन प्लेन्स बने किस वजह से है? ओके, नदन प्लेन्स बेसिकली बने हैं, मैं आपको आज एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ जिससे आप इसके बाद कभी भी ये टॉपिक गलत नहीं करेंगे. सो किसी ने कमेंट किया है कि यू टीचर्स लाइक यू हैव विजिटेड ऑल दिस प्लेसेस. तो मैंने इंडिया तो प्रैक्टिकली पूरा कवर किया हुआ है, आई हैव विजिटेड ऑल ऑफ दिस प्लेसेस. एंड गाइज आप सबको पता होगा, किन किन लोगों को पता नहीं होगा, आई हैव ट्रेवल्ड रफली 48 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो यूरोप,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया, अफ्रीका काफी ज्यादा मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ऐसे पर्सन से मैपिंग पढ़ रहे हैं जो खुद एक एटलस बनाए फिर रहा है. ओके, आई एम माइसेल्फ एटलस. ओके, तो आप एटलस से ही एटलस पढ़ रहे हो. सो आप भी लकी हो, मैं भी लकी हूँ, बिकॉज मुझे आप जैसे लोग मिलते हैं पढ़ाने के लिए, एंड आपको भी मेरे जैसा एक हम्बल गाइड मिल जाता है. ठीक है, चलिए लेट्स मूव एंड. ये बातें तो होती रहेगी, एक लेक्चर हम लोग इन्हीं बातों के लिए रखेंगे. तो चलिए लेट्स मूव अहेड. सो ओरिजिन सर, नॉर्दर्न प्लेन्स का ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स? गाइस, इसके लिए ना बहुत ज्यादा डिबेट्स है, बहुत ज्यादा थ्योरीज है, बट आप एक ध्यान में रखिए. ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स ओरिजिनेट किससे हुए? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? ओरिजिन है ऐसा, देखिए ये हमारी यूरेशिया की प्लेट है. So this is our Eurasian plate. Okay. Yeah, let's say this is our Eurasian plate like this. Okay. And ye hamari India ki plate hai. Abhi India ke plate ka kya ho raha hai? India ke plate ka ho raha hai under thrusting. So this is Eurasia and this is Indian plate. So Indian plate ka ho kya raha hai? इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे में हो रहा है अंडर थ्रस्टिंग. देखिए ये दोनों भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं. कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी सबडक्ट नहीं हो सकती, कॉन्टिनेंटल प्लेट खाली अंडर थ्रस्ट हो सकती है. तो जो हमारी इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे अंडर थ्रस्ट हो रही है. तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे दो चीजें हो रही है साइमल्टेनियसली. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. You are having two things going over here simultaneously. What is the first thing that is going on? तो सबसे पहली चीज ये हो रही है कि यहाँ पे doubling of crust हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? Doubling of crust. Sir, doubling of crust means what? Doubling of crust guys means ये इंडिया का crust है and यूरेशिया का crust है. ये दोनों crust जो है, ये दोनों crust basically एक lever action की तरह काम कर रहे हैं. तो ये इंडिया का क्रस्ट गया नीचे. दिस इज ट्राइंग टू बेसिकली डू व्हाट? दिस इज ट्राइंग टू बेसिकली अपलिफ्ट द यूरेशियन क्रस्ट लाइक दिस. तो ये इंडियन क्रस्ट जो है ये एक लीवर की तरह काम कर रहा है. दिस इज एक्टिंग लाइक अ रिवर लीवर. तो ये लीवर के वजह से क्या हो रहा है? डबलिंग ऑफ क्रस्ट इफेक्ट हो रहा है. इसी वजह से यहाँ पे जो आपका टिब्बत है, टिब्बत को हम लोग क्या कहते हैं? टिब्बत को हम लोग कहते हैं द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड. टिब्बत को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? टिब्बत को हम लोग कहते हैं द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड. क्यों? बिकॉज इंडिया का क्रस्ट एक लीवर की तरह काम कर रहा है जो यूरेशियन क्रस्ट को ऊपर 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 अपलिफ्ट करते जा रहा है. हेंस टिब्बत बिकम्स द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक प्रोसेस चल रही है. नंबर टू प्रोसेस यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी 4D बन रही है. सर 4D मीन्स व्हाट? यहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन बन रहा है. So you have one depression going on over here. ये कब बन रहा था? जब इंडिया की प्लेट जो है इसके नीचे अंडर थ्रस्टिंग हो रही थी. So over here you have formation of a 4D. Okay. 4D किस वजह से? Because इंडिया की प्लेट अगेन यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है. तो जहां पे ये प्लेट नीचे जाएगी वहां पे एक ऐसा डिप्रेशन बनेगा. इसी डिप्रेशन में क्या होगा? In this depression, you will have the Himalayan rivers, the Tibetan rivers draining their sediments. So, जो आप basically northern plains of India देखते हैं, ये basically क्या है? This is nothing but the 4D. Okay, this is nothing but the 4D. जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें all of the Himalayan rivers are depositing their sediments. All of the Himalayan rivers are accumulating their sediments. Okay, in their sediments. इसीलिए हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को कहते हैं द डिपोजिशनल प्लेन्स ऑफ इंडिया. प्लीज रिमेंबर दिस. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिपोजिशनल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये डिपोजिशन किसका होगा? ये डिपोजिशन होगा फाइन एलुवियम सिल्ट का. यहां पे क्या डिपॉजिट होगा? यू विल बी हैविंग फाइन एलुवियम सिल्ट डिपोजिशन. एंड ये जो एलुवियम सिल्ट है
यह एल्यूमियम सिल्ट क्या करेगा, यह एल्यूमियम सिल्ट सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को। हेंस जो हमारे नदन प्लेन्स है या फिर डिपोजिशनल प्लेन्स है इंडिया के, ये क्या करेंगे, ये इंडिया के एग्रीकल्चर हरल हार्ट बेल्ट बनेंगे। तो पंजाब, देन यू हैव राजस्थान, सॉरी पंजाब हरियाणा नदन राजस्थान, यानी साउथ नहीं नदन पार्ट ऑफ राजस्थान, यू हैव वेस्टर्न यूपी, देन यू हैव बिहार, ये सारा जो बनेगा, ओके ये सारा क्या बनेगा आपका टिल वेस्ट बंगाल एंड आसाम टू, ये सारा आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो अगर आप नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया की ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखेंगे कि व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया, सो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट लगभग लगभग 3000 किलोमीटर है। कितनी है? 3000 किलोमीटर। ये बेसिकली तीन कंट्रीज में है। यू हैव थ्री कंट्रीज इन विच यू हैव द नदन प्लेन्स, जहां पे हमारी रिवर्स आके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। सो कौन सी तीन रिवर्स आप सब जानते हैं? यू हैव इंदस, यू हैव गंगा एंड यू हैव ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां है जो पूरी की पूरी आके सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। तो अगर आपको पूछा कि नदन प्लेन्स कौन से कंट्रीज में है, तो आप कहेंगे कि सर नदन प्लेन्स विल एक्सटेंड फ्रॉम पाकिस्तान टिल इंडिया एंड बांग्लादेश। सो नदन प्लेन्स बेसिकली दे विल बी द फ्लड प्लेन्स ऑफ इंदस, ओके दे विल बी द फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा एंड दे विल बी द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ओके ब्रह्मपुत्र। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में नदन प्लेन्स आपको कहां से कहां तक मिलेंगे? सो यू विल फाइंड द नदन प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टिल आसाम। सो पंजाब से लेके आसाम तक आपको ये 3000 किलोमीटर का क्या मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा नदन प्लेन्स का, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस गाइस, इसे ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो नदन प्लेन्स है इनकी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कांस्टेंट नहीं है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इन द सेंस कैसे, कि अगर मैं ये नदन प्लेन्स दिखा रहा हूं तो नॉर्थ में इनकी विड्थ जो है इनकी विड्थ ज्यादा है, साउथ तक आते आते ओके सो इनकी नॉर्थ साउथ विड्थ जो है ये वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट तक आते आते इनकी विड्थ जो है ये कम हो जाती है। सो नॉर्थ साउथ विड इन द वेस्ट, ओके इन द वेस्ट ये लगभग लगभग 400 से 300 किलोमीटर की है एंड यहां तक आते आते ये बेयरली 100 किलोमीटर हो जाती है। तो आसाम में आपको बेसिकली जो आपको फ्लड प्लेन्स मिल रहे हैं या फिर नदन प्लेन्स मिल रहे हैं ये कितने हैं, ये खाली 100 किलोमीटर के हैं, जबकि वेस्ट में पंजाब में यूपी में 400 से 300 मीटर सॉरी किलोमीटर आपकी इनकी विड्थ है। ऐसा क्यों? अगेन द सेम थिंग, इंडिया प्लेट पहले यहां पे टकराई, ये नीचे आई, देन ईस्ट से टकराया। सो ये जो मैकेनिज्म है इंडियन प्लेट का, ऐसा 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 एंड देन ऐसा, इसके वजह से नदन प्लेन्स की भी विड्थ वेस्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्ट, ठीक है। तो गाइज अगर मैं जो आपको नदन प्लेन्स पढ़ाने हैं तो आई हैव टू टीच यू Via divisions of Northern Plains. Divisions यानि क्या? देखिए, Northern Plains ये एक continuous plain तो है, but इसके काफी ज़्यादा divisions हैं. Divisions in the sense कैसे? You have three divisions of Northern Plains of India. So वो तीन divisions कौन से हैं? जैसे हमने Northern Mountain Complex के तीन parts पढ़े थे. You have the Trans Himalayas, then you have the Himalayas, and then you have the Purvanchal. वैसे ही नदन प्लेन्स के भी तीन डिविजन्स। सर नदन प्लेन्स के तीन डिविजन्स कौन से हैं? सो द फर्स्ट डिविजन ऑफ नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस गंगा प्लेन्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ट्रांस गंगा प्लेन्स, ओके। देन नंबर टू डिविजन ऑफ नदन प्लेन्स विल बी व्हाट? इट विल बी कॉल्ड एज द गंगा यमुना, ओके गंगा यमुना प्लेन्स। एंड जो थर्ड डिविजन है हमारे नदन प्लेन्स का, वो क्या रहेगा? उसे हम लोग कहेंगे दी आसाम, ओके ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आसाम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये बात आप ध्यान में रखिएगा
कि ये तीन डिविजन्स है सर किसके, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के। सर आप ये मैप में शो कर पाएंगे हमें? जी हाँ, मैं आपको ये मैप में भी शो करूंगा सो दैट ऑल ऑफ यू कैन बेसिकली गेट दिस प्रॉपरली। चलिए मैप खोलते हैं एंड आपको मैं ये डिविजन्स एक्सप्लेन करता हूँ कि डिविजन्स कैसे है। ओके, सो अगेन गाइज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खाली जो सर्वे ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट का, आप उसी के मैप को रेफर करेंगे एंड आप उसी के मैप से पढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा एवरीवन, बिकॉज ये जो मैप रहता है ये सबसे एक्यूरेट मैप रहता है, जहां पे कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होती नहीं है, जहां पे कोई भी तकलीफ होती नहीं है बॉर्डर्स की। तो आप यही मैप यूज करेंगे जो ऑफिशियल मैप है इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया का। ये कुछ नहीं करना है आपको, गूगल में जाना है, सर्वे ऑफ इंडिया टाइप करना है, पहली लिंक आएगी, आपको ये सारे मैप्स वहां पे मिल जाएंगे। तो आई एम यूजिंग द ऑफिशियल मैप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ध्यान में रखिएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफेंड करने वाले हो, आगे जाके आप पब्लिक सर्वेंट्स बनने वाले हो, तो आप ऑथेंटिक सोर्सेस से ही पढ़ेंगे। तो चलिए सर, आप नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे थे, उनके आप डिविजन्स बता रहे थे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के हमें अगर डिविजन्स पढ़ने हैं तो तीन डिविजन्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका आता है यू हैव अरावलीज। ओके, तो यू हैव अरावलीज ओवर हियर। ओके, तो ये हमारे अरावलीज है यहाँ पे। सो अरावलीज के वेस्ट का जो पार्ट रहेगा इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसगंगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसगंगा प्लेन्स। इसे हम लोग प्लेन्स ऑफ इंदस के नाम से भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन्स ऑफ इंदस। इसके बाद ओके, अरावलीज से लेके टिल बेसिकली बांग्लादेश, यहां तक ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स कौन से हैं हमारे? ये प्लेन्स हैं हमारे दी गंगा यमुना प्लेन्स। आप सबने रोहिलखंड, अवध, ओके, मगध, ये सारे नाम सुने होंगे ना, रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, अंगा प्लेन्स, मगध प्लेन्स। तो ये सारे प्लेन्स आते हैं हमारे गंगा यमुना के। इसके बाद में ये जो पार्ट है ओके, ये वाला पार्ट ओके आसाम का, ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम लोग कहते हैं दी आसाम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, दी आसाम ब्रह्मपुत्रा। सो दीज थ्री आर दी डिविजन्स ऑफ दी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऑन वेनसडे, कल वी आर हैविंग अ हॉलीडे। वेनसडे को मैं आपको ये तीनों एंट्रीज काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे फिजिकल एंट्रीज एज वेल एज सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज विद रिगार्ड्स टू द फिजियोग्राफी, बिकॉज फिजियोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है इन रीजन की। तो ये सारी चीजें हम लोग परसों के क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा आपसे वादा है गाइस कि आप मेरा साथ दीजिए और दो तीन लेक्चर्स, फिर देखिए आपको मार्क्स कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, मैं ये डंकी के चोट पे कह सकता हूँ, जो नॉलेज मैं आपको स्टडी आईक्यू के माध्यम से दे रहा हूँ, ये नॉलेज आपको और किसी चैनल पे आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन देगा नहीं, दैट्स माई गारंटी टू यू विथ सच डिटेल मैप्स। ठीक है, सो गाइज आज के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, नाउ वी विल मीट ऑन वेनसडे, कल विल बी हैविंग अ हॉलीडे एंड ऑन वेनसडे आई विल टेक अप अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इसके बाद हम लोग इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम पे ऑफिशियल ग्रुप है ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। सो इस ग्रुप पे मैं आप सबके साथ बातचीत करता हूँ, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए, on the behalf of study IQIS I thank each and every one of you, until next time guys, tata bye bye, adios amigos, see you on Wednesday, until then please take good care of yourself and keep on working hard and smart guys, bye bye.